हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। क्या हाल है दर्शक, एक बार फिर से स्वागत है दर्शक का एक और न्यू पबजी लाइट गेम प्ले वीडियो के अंदर। अब देखो धीरे धीरे ना गाइस गेम का माहौल भी बदल रहा है, मतलब यार बंदे आ रहे हैं। मतलब पहले ना बोट्स आते थे यार, मतलब स्टार्टिंग में थोड़े बहुत बंदे मिलते थे होल्ड्रॉप पे, अब उसके बाद से भाई सारे बोट्स वगैरह मिल रहे थे। पर अब के जो मैचेस में क्या होता ना गाइस, मतलब पूरे मैच के अंदर आपको बंदे ही बंदे मिलने वाले हैं। तो यार गेम प्ले को एंड तक देखना, क्योंकि यार ये वाला गेम प्ले यार काफी खतरनाक होने वाला है। अब इस वाले मैच के अंदर गाइस मैं खेल लेते हुए सोलो से स्क्वाडर भाई मैं उतर जाता हूँ आइसलैंड के अंदर। अब यहाँ पे देखो बंदों की बात करें तो भाई बहुत ज्यादा बंदे आते। फिलहाल दो बंदों को मैं यहाँ पे नोक कर चुका हूँ, एक बंदा देखो बाहर की साइड भागा था, बट उससे पहले भाई नोक वाले बंदे को मैं जैसे यहाँ पे फिनिश करता ना, अब बात है उस साल बाहर वाले बंदे की। तो यहाँ से मैं एमओ ढूंढने का ट्राई तो करता हूँ, बट देखो मेरे को एमओ वगैरह तो नहीं मिलता, और नहीं भाई बाहर जाने वाला बंदा मिलता है। अब पता नहीं यार ये वाला बंदा कहाँ गया था। फिलहाल मेरे को पता था यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे आए, मतलब उनका फाइट वगैरह भी हो ही रहा था, तो फटाफट से पहले मेरे को एक गन चाहिए था। और भाई लकीली यहाँ पर देखो मेरे को यूएमपी वगैरह मिल जाते हैं, यूएमपी लेने के बाद मैं वापस से अपने वाली सेम जगह पे आता हूँ। और यहाँ पे पहले ये वाला बंदा दिखता है जिसको मैं इजीली यहाँ पे नॉक करता हूँ। देखो सामने भी बंदा था मेरे है जो कि M16 चला रहा है, और लेफ्ट में ऑलरेडी यहाँ पे फाइट हो रही थी। अब एक बंदे को मैं यहाँ पे सामने की साइड से देखो नॉक करता हूँ, एंड बारी थी भाई वहां पे डायरेक्टली पुश करने की। अब देखो यहाँ पे मतलब क्या ही सीन होने वाला है। फिलहाल एक बंदा नॉक मिलता है, इसको मैं फिनिश करता हूँ। देखो वो बंदा भी रिवाइव हो चुका था जिसको मैंने पहले नॉक किया था। अब देखो इसी के साथ यहाँ के तो बंदे खत्म हो चुके थे, और पूरा आइसलैंड के बंदे खत्म नहीं हुए थे, बस यहाँ के मतलब इस साइड के बंदे खत्म हो गए थे। और यहाँ पे देखो मेरे को फर्स्ट एड मिलता है, मैं पहले हील करने लगता हूँ क्योंकि मेरे को एक बंदा बाहर जाते हुए जो दिखा रहा ना वो काफी परेशान करने वाला है। बट उससे पहले मैं नोक वाले बंदे का किल ले लेता हूँ जिसको मैंने पहले नोक किया था। अब यहाँ पे देखो मेरे को पता था अभी एक और बंदा बचा हुआ है जो कि यार M16 चला रहा था। फाइनली उस वाले बंदे की भी फुटस्टेप आ जाते हैं मेरे को सामने की साइड से, एंड अभी तक वो बंदा वहीं पे ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मोली का ट्राई करता हूँ, बट भाई मोली का कुछ एम वगैरह बंद नहीं रहा था। मैं थोड़ा क्लोज आता हूँ, बट वो बंदा ग्रेनेड करता है तभी। अब ग्रेनेड से तो मैं बच जाता हूँ, तभी मैं मोली करता हूँ, मदद से मतलब बंदे को थोड़ा डैमेज होता है। अब बात है उस बंदे के ऊपर पुश करने की। अब इस बंदे को तो मैं इजिली यहाँ पे नॉक कर लेता हूँ। भाई एक और बंदा जो था ना बाहर की साइड से, मतलब कब से मैं उस वाले बंदे को ढूंढ रहा था। फिर इस वाले बंदे को फिनिश करने के बाद वो बंदा मेरे को मिलता नहीं है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद वापस देखता हूँ ना, तभी देखो वो बंदा मेरे को मिलता है। अब इस बंदे को मैं स्प्रे देने का ट्राई करता हूँ, बट भाई एक भी गोली वगैरह कनेक्ट नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता हूँ। एंड जैसे ही यहाँ पे आता हूँ यहाँ पे देखो कुछ बंदे होते हैं। इसमें से भाई एक बंदे को नॉक एंड मैं फिनिश करता, उसके बाद मेरे को लगा यहाँ पे और कोई भी बंदा वगैरह नहीं है, तो मतलब मैं गाड़ी लेके यहाँ से जाने वाला था। तभी यार इसका टीममेट आता था, मतलब वो पीछे की साइड था, तो मैं गाड़ी लेके उसी की तरफ जाता हूँ। और इजीली भाई इस वाले बंदे को मैं यहाँ पे निपटा देता हूँ, एंड मेरे को लगा अभी यहाँ के बंदे खत्म हो गए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब यार पीछे की साइड से स्प्रे आता है, मेरी गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ी धीरे धीरे मतलब क्लोज इन आता हूँ। लकीली मतलब मुझे नहीं पता यार मैं तो इतना ओपन में कैसे बच गया। फिलहाल इस वाली स्क्वाड का मैं एक बंदे को यहाँ पे नॉक करता हूँ, फटाफट से भाई फिनिश करने का ट्राई करता हूँ। अब जैसे मैं इसको फिनिश करता हूँ ना भाई, तब तक देखो इसके जो बाकी वाले टीममेट है ना वो मेरे पर पुश कर चुके थे। अब दूसरे बंदे को मैं यहाँ पे नॉक करता हूँ, और यहाँ पे देखो गलती से मैंने मतलब रिलोड वगैरह कर लिया था, भाई ये बंदा मेरे को पेल देता है। वैसे इसने नहीं मतलब पीछे से भी डैमेज पड़ा था मेरे उस कैरल का। फिलहाल देखो इस वाले मैच के अंदर गाइस मतलब क्लच होने वाले हैं, बैक टू बैक तीन क्लच में तुम्हें दिखाने वाला इस वाले गेम प्ले के अंदर, वो देख के तुम्हें मजा ही आने वाला है। पहला बंदा मेरे को यहाँ पे स्पोर्ट होता है, इसको मैं इजीली यहाँ पे नॉक कर लेता हूँ। एंड अब बारती भाई इसके मतलब टीममेट्स की, तो फटाफट से यहाँ पे थोड़ी सी लूट करने के बाद मैं डायरेक्टली पुश ही कर देता हूँ।
अब ये होता है इनका दूसरा बंदा, फिर तीसरा बंदा आ रहा था लेफ्ट की साइड से, और ये होता है इनका तीसरा बंदा। अभी देखो इनका बचा था लास्ट बंदा, जिसको मैं काफी देर तक ढूंढने का ट्राई करता हूँ, बट भाई वो लास्ट बंदा मिलता नहीं है। फिलहाल देखो यहाँ से अपार्टमेंट की साइड से कुछ गन साउंड्स आ रहे थे, मतलब यहाँ पे सामने एक पूरा का पूरा स्क्वाड होता है, तो मैं फटाफट से इसकी यूज करते हुए डायरेक्टली यहीं पे आ जाता हूँ। और आते ही देखो मेरे को सामने एक बोर्ड दिखता है, जैसे मैं बोर्ड को फिनिश करता रहा, उन बंदों को पता चल चुका था मेरे बारे में, मतलब बंदे आते। फिलहाल देखो सामने मेरे को एक बंदा भी दिखा है अभी, एंड अभी वहां पे पूरा का पूरा स्क्वाड है, उन बंदों को जो निपटाने वाला ना, बस तुम देखना यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे कवर में आता हूँ ना भाई, तब तक बंदे भी मेरे ऊपर यहाँ पर पुश कर चुके थे। फिलहाल दो बंदों को नॉक करता हूँ, बचे थे बाकी वाले दो बंदे। और ये था तीसरा बंदा, है ना, बची था भाई लास्ट बंदा। और भाई इसी के साथ ये वाली स्क्वाड भी यहाँ पे पूरी की पूरी ऑलडेड हो जाती है। और क्लच पसंद आते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू आते हैं सब्सक्राइब भी कर देना। अब इस वाली स्क्वाड को निपटाने के बाद, अब जैसे मैं यहाँ पे लूट वगैरह कर रहा था ना भाई, तभी स्टेडियम की साइड से कुछ बॉड फायर वगैरह मेरे को आते हैं, तो मैं इसकी यूज करता डायरेक्ट यहीं पे आता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद देखो मेरे को सरप्राइज मिलता है, देखो तभी एक बंदा मेरे को दिखता है, इसको मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। तभी देखो यहाँ पे पास में मतलब गन शॉट्स वगैरह आ रहे थे सामने की साइड से, और मतलब यहाँ पे पूरे के पूरे चार बंदे होते हैं, बस देखना तुम। अब इस बंदे को मैंने डैमेज देने का ट्राई तो किया, बट भाई बंदे के मतलब वॉल पे ऊपर गोलियां लग जाती है। फिलहाल देखो सामने एक और बंदा था, पर भाई इसको तो मैं इजीली यहाँ पे नॉक कर लेता हूँ। और भाई फिनिश करने का ट्राई करता, बट ये बंदा भाई फ्लैश की स्पीड से यार भाग रहा था। फिलहाल वो बंदा तो फिनिश नहीं हुआ, और जब तक तो भाई मैं नीचे होता ना, तब तक शायद वो बंदा रिवाइव भी हो चुका होगा। अब देखो यहाँ पर देखो मेरे को दो बंदों के फुटस्टेप आ रहे थे, और एक बंदा तो भाई मतलब घर के अंदर भी जा चुका है, मतलब पूल के अंदर। बंदे को थोड़ा डैमेज दिया, बंदा ऊपर की साइड भागता, मतलब ऑलरेडी ये बंदा काफी डैमेज था। अब यहाँ पे देखो मैं इस वाले बंदे को तो यहाँ पे नॉक वगैरह कर लेता हूँ। अब बात इसके टीममेट की, जिसके पुश मुझे नीचे की साइड से आ रहे थे। और भाई इसे भी मैं यहाँ पे नॉक कर लेता हूँ। अब बचा था लास्ट बंदा। अब ये वही बंदा है जिसको मैंने पहले यहाँ पे नॉक किया था, शायद इस बंदे ने भाई हील वगैरह कुछ नहीं किया। तो गाइस इस वाली स्क्वाड को निपटाने के बाद, अब मैं काफी देर से यहाँ पे बगी लेके जाता हूँ, मतलब बंदे को ढूंढता हूँ, बट बंदे वगैरह मेरे को कहीं नहीं मिलते। और जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप की साइड आता हूँ ना, तभी देखो मेरे को एक गाड़ी स्पॉट होती है। और भाई लिटरली यार दो एमो लगी इसको हेड पे, और बंदा नॉक हो गया। फिलहाल इस वाले बंदे को मैं जैसे यहाँ पे फिनिश करता हूँ ना, अब इसके टीममेट भी यहीं पे आसपास ही था। जैसे मैं बाकी घुमाता हूँ ना, देखो मेरे को एक यहाँ पे स्मोक वगैरह दिखता है, और यहाँ पर बंदा भी। फिलहाल सामने कुछ बोर्ड्स वगैरह भी थे, तो मैं वहाँ पर जाता हूँ, एंड तभी देखो इसका एक और टीममेट मुझे मिल जाता है यहाँ पे, एंड वो भी यार ऑफलाइन। अब इस बंदे का शायद से गेम यहाँ पे क्रेश हो चुका था, मैं इसको यहाँ पे नॉक करता हूँ, फटाफट से फिनिश भी कर लेता हूँ। एंड अब बात थी उस आरपीजी वाले बंदे की। अब ये होता है इस वाली स्क्वाड का भी आखिरी बंदा, इसी के साथ इस वाली स्क्वाड को भी मैं इजीली यहाँ पे निपटा देता हूँ। अब उसके बाद देखो बंदे ज्यादा बचे नहीं थे, मतलब सिर्फ दो ही बंदे बचे थे, एंड उन बंदों को ढूंढते हुए सीधा जाता हूँ सिंक डेल्टा की साइड। और जैसे ही यहाँ पे आता हूँ मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं, और ये वाला बंदा नहीं मतलब बोट ही होता है, इसको मैं इजीली यहाँ पे निपटा देता हूँ। एंड इसके बाद देखो अब बचा था लास्ट बंदा, तब भाई उस वाले में देखो मैं काफी देर तक यहाँ पे ढूंढता हूँ, देखो बंदा तो मेरे को नहीं मिलता है। फाइनली यहाँ पे आने के बाद सामने अब लास्ट वाला भी बंदा नहीं मतलब बोट ही होता। तो गाइस आई होप ये वाला गेम प्ले भी तुम्हें पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू आता है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे जरूर सेट कर देना। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।